तो दोस्तों आप भी कहना चाहते हो कि आईफोन के जैसा लॉक स्क्रीन आपके कोई भी रियलमी के डिवाइस में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि आप कोई भी रियलमी के डिवाइस में कैसे आईफोन के जैसा लॉक स्क्रीन को इनेबल कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना, स्टेप बाई स्टेप, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। एंड आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे आने वाली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको फुल स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा, जिसका नेम एंड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आपको अगर सिंपली उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना पड़ेगा। एंड उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपके पास कुछ परमिशन मांग रहा है, तो उसको सिंपली अलाउ कर दो, बहुत केयरफुल से परमिशन। तो उसके बाद आप देखते हो ऊपर में एक इनेबल का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली उसको इनेबल कर देना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद कुछ परमिशन चाहेगा, तो आपको सिंपली बहुत ही केयरफुल से उस परमिशन को भर देना पड़ेगा। मैं बहुत ही केयरफुल से उस परमिशन को भर दे रहा हूँ। तो उसके बाद एक फ्लोटिंग विंडोज मैनेजमेंट है परमिशन, तो इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ। तो मैं बहुत ही केयरफुल से इस परमिशन को भर रहा हूँ। एंड उसके बाद हमें एक बात पर कहना चाहते हो कि आप पहले कोई भी पासवर्ड देखे रखो, कि आपके होम स्क्रीन पे आपके सिस्टम का कोई भी पासवर्ड, तो उसके पहले आपको एक डिसेबल कर देना पड़ेगा उस पासवर्ड का। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है पासकोड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज पासकोड, इसको डिसेबल होकर रखें, सिंपली इनेबल करना पड़ेगा। एंड इनेबल करने के बाद आपको एक पासवर्ड चाह रहे हैं जो आप होम स्क्रीन पे दोगे, तो मैं सिंपली 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड दूंगा, तो ये दे दिया। एंड इसके बाद री एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मेरा इस पासवर्ड को वेरीफाई कर लिया। एंड वेरीफाई करने के बाद अब ये मेरा पासवर्ड मेरा होम स्क्रीन पे सेट हो गया। ओके, तो इसके बाद मैं आपको मेरा स्क्रीन को ऑफ करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं मेरा स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। एंड ऑफ करने के बाद कैसा लुक आता है, तो मेरा स्क्रीन को मैंने ऑफ कर दिया। एंड ऑफ करने के बाद वाओ, जो लॉक स्क्रीन है वो फुल्ली आईओएस के तरह कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ वो भी फुल्ली आईओएस के, यानी कि एप्पल के फ़ोन में जैसा होते फुल्ली ऐसा हो गया। तो ये वीडियो फुल्ली आईओएस के तरह हो गया, माने ये रियलमी का कोई भी डिवाइस है फुल्ली आईओएस के तरह लॉक स्क्रीन को इनेबल कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।